फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इनफैक्ट मैं फॉर्मल वे पे नहीं आया, वेरी इनफॉर्मली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज टॉपिक बहुत मेरे दिल के करीब है। इनफैक्ट आप लोगों के भी दिल के करीब है, दैट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब नौकरी, नौकरी मतलब पैसा, पैसा मतलब खुशियाँ। इनफैक्ट कलयुग में तो पैसा ही खुशी है, मैं ये मानता हूँ। फिलोसफिकल लोग बहुत कुछ बोलेंगे, शांति चाहिए, ये चाहिए, बट एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी, हनी। सो लेट्स स्टार्ट। कल मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था, ही इज़ इन शिकागो US, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट यू नो पॉलिटिक्स, देन इकोनॉमी एंड देन ऑल यू नो ऑल द टॉपिक केम डाउन टू इंडिया। सो इंडियन इकोनॉमी इनफैक्ट अभी वर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ, इट इज़ -23.8, जिसमें कि हमारा GDP गिरा। इसमें कोई मोदी को ब्लेम करेगा, कोई BJP को ब्लेम करेगा, कोई कोरोना को ब्लेम करेगा, बट रियली अगर आप देखिएगा तो कोरोना पैंडेमिक होने का पहले से ही इकोनॉमी में 2% 3% सिर्फ ग्रोथ रेट था। तो ऐसा क्या हो गया कि यू नो वी हैव फॉलन फ्लैट? सो बिकॉज स्टार्टिंग दिस इकोनॉमी, मैं कुछ बेसिक्स पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की सभ्यता, ये करीब 5,000 साल पुरानी है। वी वर द पीपल हु हैव इन्वेंटेड जीरो। इंडियंस वर आफ्टर अलजेब्रा। फिबोनाची नंबर्स इंडिया से, फिबोनाची नेम केम आफ्टरवर्ड्स, बेसिकली इट्स इंडियन नंबर्स। प्राइम नंबर्स वर इन्वेंटेड बाई इंडिया। सो इंडियंस अगर आप देखिएगा, शुरू से इनोवेटर्स रहा है, क्रिएटर्स रहा है, जिसमें कि आपको एलोरा का टेम्पल मिलेगा, जो कि एक पत्थर से काट के एक टेम्पल को बना दिया गया है। आपको अजंता का पेंटिंग्स मिलेगा, आपको दिल्ली का आयरन पिलर मिलेगा, जो कि 1600 या 1800 साल से कभी जंग नहीं पकड़ा, रस्ट नहीं हुआ, ऑल्दो इट इज़ एन आयरन, इनफैक्ट इज केमिस्ट्री स्टिल नॉट नो। सो ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस हैव फॉलन फ्लैट? आई वांट टू प्रेजेंट यू सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स पे मैं बात करना चाहता हूँ। बिफोर यू नो द इस्लामिक इन्वेजन हैपेंड इन 1000 AD, इसका पहले इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूटेड 53.8% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। आफ्टर इस्लामिक इन्वेजन्स, पावर वेंट डाउन टू द इस्लामिक इन्वेडर्स, एक कल्चरल चेंज आ गया, देर वॉज जेनोसाइड ऑफ हिंदूज, देर वॉज कल्चरल सप्रेशन एंड मैनी थिंग्स हैपेंड। अब इसमें क्या हुआ कि हमारा इनोवेशन हट गया और हमें गुलामी करने की आदत हो गई, हमारे DNA में हम गुलाम बन गए। ये गुलामी का दस्तूर चलता रहा। 1857 एक पीरियड था जहाँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी अगर आप एनालिसिस करेंगे, इसमें कुछ लीडर्स थे, जैसे तांतिया तोप, रानी लक्ष्मीबाई, देन देर वॉज मंगल पांडे एंड मेनी अदर्स, दे वर लीडर्स, बट हर एक लीडर के पीछे 1000 फॉलोअर्स था, जो बेसिकली कुछ नहीं करता। देयरफॉर यू फाइंड अ किंग लाइक मुगल किंग बहादुर शाह जफर, जो था तो मुगल बादशाह, बट प्रैक्टिकली उसका रोल इन 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो जीरो, जस्ट अ टिटुलर हेड, उसके नाम पे जंग होता था, बट उन्होंने ना कोई लड़ाई लड़ी, ना अपना आर्मी दिया, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। सो इसके बाद अंग्रेज आए। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने देखा कि एक बार वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, तो अब हमें इंडियंस को खुश रखना होगा, ऐसा कुछ करना होगा कि इंडियन कभी हमारे खिलाफ ना जाए। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक तरह का पपेट रूल चालू हुआ। नाउ व्हाट इज पपेट रूल? पपेट रूल एक ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं तेल मारना, कि हम आपका कोई कैपेबिलिटी नहीं है, बट आपको हम एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखा है और आपको बहुत अच्छा एक फीलिंग देते हैं कि आप बहुत कैपेबल है, आप बहुत बढ़िया हैं, सर यू आर द बेस्ट, आप जैसा कोई नहीं। और यही कल्चर हमारे इंडिया में चला। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने दो टाइटल्स रखा, खान बहादुर, जो कि उन मुस्लिम नोबलमैन को दिया जाता था जिनसे अंग्रेज़ों को खतरा था कि ये कभी भी हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं, और राय बहादुर, ये उनको नाम दिया गया हिंदू नोबलमैन को, जिनसे भी अंग्रेज़ को खतरा था कि ये हमारे अगेंस्ट में लड़ सकते हैं। अब खान बहादुर, राय बहादुर जो थे, इनका रियली कोई कैपेबिलिटी नहीं था, ना इनके पास आर्मीज थे, ना इनके पास लड़ने का कैपेबिलिटी था, कुछ भी नहीं था, फिर भी अंग्रेज इनको अपना गुड बुक्स पे रखते थे कि इनके नाम पे आम जनता जो है, आम जनता, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, ये भड़क सकते थे और अंग्रेजों से लड़ सकते थे। अब आम जनता जो है इंडिया का, ये बेसिकली एक लीडर खोजता है, भले ही लीडर जितना भी इनकेपेबल हो, और एक लीडर के पीछे सब उमड़ के भीड़ आना चाहता है। तो अंग्रेज चाहते थे ऐसा कोई लीडर कभी आए ही नहीं, इसीलिए खान बहादुर और राय बहादुर का कंसेप्ट लाया गया।
अब खान बहादुर राय बहादुर को कुछ तो काम देना होगा ना, मैं मुझे पढ़ाई आती है, मेरा ईगो बहुत स्ट्रांग है, तो इसके लिए बाबू कल्चर आ गया है ब्रिटिश सिविल सर्विस में। नाउ व्हाट इज़ अ बाबू कल्चर? बाबू कल्चर होता जहाँ पर ऊपर में एक डीएम होता जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता, इसके नीचे एक साहब होता है, फिर एक बाबू होता है, फिर एक चपरासी होता है। तो अगर मुझे एक फ़ाइल किसी को देना है, मैं डायरेक्ट वो फाइल लेके नहीं जाता हूँ, वो फाइल पहले चपरासी के पास जाएगा, चपरासी के से बाबू के पास जाएगा, बाबू से साहब के पास जाएगा, साहब से डीएम के पास जाएगा। तो एक स्टेप आप नहीं जा सकते, आपको चार स्टेप क्रॉस करना होगा। अब ये चार स्टेप इसलिए रखा गया कि ये जो तीन लोग थे बिलो द डीएम, इनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं था, बट इनको कुछ तो काम देना होगा। काम नहीं देगा तो तलवार उठाएगा, तो तलवार उठाने से तो अच्छा है इनको कुछ काम दे दो, पोजीशन बहुत अच्छा दो, नाम बहुत अच्छा दो, पैसे भले ही कम दे। अंग्रेज आज़ाद हो गए, देश हमारा अंग्रेज चल गए 1947 में, देश हमारा आज़ाद हो गया और एक नया एरा चालू हुआ। बट कुछ चीज़ नहीं हुआ, अंग्रेज तो चल गए बट अंग्रेज अपना कल्चर छोड़ के गए। तो हमारा एडुकेशन अंग्रेज का ही रहा, हमारा सिविल सर्विसेज अंग्रेज का ही रहा, एवरीथिंग अंग्रेज का रहा। बट अंग्रेज ये कल्चर अपना इंग्लैंड में नहीं रखते थे। अगर आप इंग्लैंड में जाओ, वहाँ एक हाउस ऑफ सेक्रेटरी होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम्स होते, बट उनके नीचे ऐसा आपको तीन स्टेज नहीं मिलेगा जिसमें कि एक साहब है, एक बाबू है, एक चपरासी है। जब अंग्रेज चल गए, इंडियन कल्चर चालू हुआ, इंडियन बढ़ गया, एक गवर्नमेंट सर्विस, एक प्राइवेट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस में फिर से ये कल्चर आ गया, इसीलिए आपको मिलेगा मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर। अब एक बात बताइए, अगर एक ब्रांच है जिसमें 10 लोग हैं, उसके लिए तो एक मैनेजर ही काफ़ी है। अगर एक मैनेजर से नहीं काम हो रहा, आप दो दो मैनेजर रखिए, एरिया सेग्रीगेशन कर दिए, पार्ट ए पार्ट बी, बट नहीं, हमारे यहाँ कल्चर है एक मैनेजर होता जो सब काम करता, उसके ऊपर एक सीनियर मैनेजर जो प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करता, उसका काम सिर्फ है मैनेजर का डंडा करना। और फिर सीनियर मैनेजर के ऊपर एक और हेड होता जिसका और कोई काम नहीं होता, सीनियर मैनेजर का डंडा करना। तो ये वर्किंग कल्चर हमारे गवर्नमेंट में आ गया है। देयरफॉर अगर आप प्राइवेट पीएसयू बैंक्स देखिए और प्राइवेट बैंक्स देखिए, आपको डिफरेंस दिखेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक सीनियर जनरल मैनेजर होगा या फिर सीनियर ब्रांच मैनेजर होगा, आप उससे डायरेक्ट नहीं मिल सकते, उनका एक सेक्रेटरी होगा बाहर, जो अगेन एक 40-50 ईयर की लेडी होगी, जो यू नो आइडर थ्रू सम कोटा या फिर वो हिसाब से गया है, जिसको कोई काम नहीं आता, उसी को ये पोजिशन दिया जाता। फिर इसके बाद आपको मिलेगा पियोन्स जो कि बैठे रहता, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे आप किसी को भी 5-6-7 हज़ार में रख सकते थे। एक बैंक 5 पियोन रखता है और उसको 50,000 सैलरी देता है हर एक आदमी को, जिसका कोई काम नहीं है एक सिंपल लेटर को यहाँ से वहाँ पहुँचाना। सेम कल्चर आपको इंडिया पोस्ट सर्विस में मिलेगा, जहाँ पर आप एक लेटर जमा करते हैं, वो लेटर लेने वाला एक जन होता, वो लेटर को पकड़ने वाला एक जन होता, और लेटर पर स्टैंप मारने वाला एक जन होता। तो एक लेटर 3 जगह से जाता और फिर जाके आपको पोस्ट होता। तो इसी से मेरा एक फ्रेंड हमको बड़ा अच्छा एक जोक बोला कल, बहुत मज़ा आया मुझे। आई टेल यू जी जोक। एक बार क्या हुआ कि एक इंडियन और एक अमेरिकन दोनों को टास्क दिया गया कि तुमको एक दीवार पे खीला लगाना है और एक पेंटिंग को टांगना है। एक अमेरिकन आया, एक हथौड़ा लिया, एक खीला लिया, एक स्टूल लिया, स्टूल को रखा, उस पर चढ़ा, खीला लगाया, पेंटिंग को रखा, चल गया। एक इंडियन आया, सर्वे किया, खीला लगाना है, सर्वे का रिपोर्ट बनाया, वो जमा किया, जमा करके नेक्स्ट पर्सन के पास आया, उन्होंने सेफ्टी इंस्पेक्टर, वो आया, इंस्पेक्शन किया कि काम बढ़िया हुआ, सब कुछ हुआ, सेफ्टी से होगा कि नहीं, इंस्पेक्शन किया और वर्कर को बोला। एक वर्कर आया, वर्कर बोला मैं अकेले तो खीला नहीं लगा सकता हूँ, हाइट का मामला है, मुझे स्टूल पकड़ने के लिए एक हेल्पर चाहिए। ठीक है, एक और हेल्पर आया, स्टूल पकड़ा, वर्कर हमारा उठा, बोला देखिए मैं एक हाथ में खीला पकड़ू, एक हाथ से हथौड़ा पकड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा है कि मुझे एक मार्कर चाहिए जो पहले करेक्ट मार्किंग करे, कहीं गलत जगह खीला लग गया तो दीवार खराब हो सकता, तो एक मार्कर है, उन्होंने मार्किंग किया। फिर हमारा वर्कर साहब खीला को लगाते हैं, फिर बोला खीला सही लगा या गलत लगा ये कौन चेक करेगा, इसके लिए तो एक क्वालिटी इंस्पेक्टर चाहिए। एक क्वालिटी इंस्पेक्टर आया, खीला को लगाया गया, जब खीला लग गया, उतरा गया, फिर देखा गया कि आप जो काम किए हैं ये ठीक से हुआ कि नहीं, इसके लिए
एक ऑडिटर छे, एक ऑडिटर है। फाइनली करीब 9 लोग मिलकर इंडिया में खिला लगाया, जो कि एक अमेरिकन एक आदमी मिलकर खिला लगाया। तो आप समझ जाइए हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारे देश के साथ क्या प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर्स में भी। एक प्राइवेट सेक्टर्स में कंपनी का नाम नहीं लूँगा, प्रैक्टिकली सभी कंपनीज, सभी कंपनी जिसका टर्नओवर 10,000 करोड़ को ऊपर है, क्योंकि आराम से बैठ के जो काम करने का जो कल्चर आता है बड़े कंपनीज में आता है, छोटे कंपनीज में ऐसा नहीं होता। इसमें एक मैनेजर होता बहुत मेहनती, फील्ड इंजीनियर होता बहुत मेहनती, इसको ऊपर एक मैनेजर के ऊपर एक सीनियर मैनेजर होता। इसका दिन भर काम रहता, बैठे रहता लैपटॉप के सामने रहता, कुछ प्रेजेंटेशन बनाते रहता 8 घंटे तक, क्या प्रेजेंटेशन है, किस लिए फ़ायदा है, ये नहीं काम है, और मीटिंग करना। तो मैनेजर का काम है काम करना, सीनियर मैनेजर का काम है मैनेजर का डंडा करना, मीटिंग करना और प्रेजेंटेशन बनाना। इसके ऊपर फिर एक हेड होता, हेड का काम और ज़्यादा प्रेजेंटेशन बनाना, और ज़्यादा मीटिंग करना और ज़्यादा डंडा करना। बट मामला यहाँ नहीं ख़त्म होता, ये हेड के ऊपर भी एक सुपर बाप होता जिसको हम चीफ कहते हैं। चीफ का काम होता ऐसा 4 हेड का डंडा करना और ज़्यादा मीटिंग करना। तो इतने ज़्यादा हमारे मैन पावर है एक सिंपल काम करने के लिए। रियल वर्क फोर्स एंड ऑफिस फोर्स रेशियो होना चाहिए 20:80, 80% वर्कर्स होना चाहिए इनको मॉनिटर करने के लिए, 20% वर्क फोर्स होना चाहिए ऑफिस फोर्स। बट इंडिया में उल्टा है, इट इज़ 80-20। एक वर्कर है जो काम करता है, उसके ऊपर 3 मैनेजर है, उसके ऊपर 4 सीनियर मैनेजर है, उसके ऊपर 10 हेड है, उसके ऊपर 15 चीफ है। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में है वो केबल हो, स्टील हो, पावर हो, सीमेंट हो, कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर छोड़ के, माइंड माई वर्ल्ड, सॉफ्टवेयर छोड़ के, सॉफ्टवेयर अलग कल्चर होता है। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो सब प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, उसके नीचे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, या वेरी डिफरेंट फंक्शंस होता है, जैसे कोई डिज़ाइनर होता है, स्किल सेट्स होता है, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर सब मैनेज करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पीछे कोई बाबू नहीं होता, प्रोजेक्ट मैनेजर के पीछे कोई साहब नहीं होता, प्रोजेक्ट मैनेजर के पीछे कोई चपरासी नहीं होता, प्रोजेक्ट मैनेजर खुद का सब करता है। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, इसमें मोटा चर्बी जम गया है। 20% लेबर काम करता है, 80% उसके ऊपर ऑफिसर उस 20% के ऊपर बैठ के खाता है, और ये जो एक्स्ट्रा परसेंट लोग बैठ के खा रहे हैं इसका प्रोडक्ट प्राइस ऐड होता है प्रोडक्ट प्राइस पे। प्रोडक्ट हमारा कॉम्पिटिटिव नहीं रहता, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में बिकता नहीं। आपको कुछ हार्ड फैक्ट्स मालूम है? इंडिया हैज़ गॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर एंड कोल, दो बेसिक चीज़ जो कि आयरन मेकिंग में ज़रूरत होता है। तीसरा जो बेसिक रॉ मेटेरियल आयरन मेकिंग में लाइमस्टोन, उसका भी वी हैव अ ह्यूज रिजर्व्स। बट इन सब कुछ लेके भी हम लोग लोहा बना के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि आप हैरान हो जाएंगे पूरा एशिया का फर्स्ट स्टील प्लांट 1905 में सिर्फ इंडिया में बना था। तब ना जापान में स्टील प्लांट था, ना चाइना में स्टील प्लांट था, कहीं नहीं था, सिर्फ इंडिया। ऐसा क्या हो गया कि 1905 में पहला स्टील प्लांट बनाने के बाद भी, हर वो रॉ मेटेरियल रहने के बाद भी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? आपको मालूम है केबल बनाने के लिए जो 2 मेजर रॉ मेटेरियल्स होता, वन इज़ PVC, सेकंड इज़ कॉपर। कॉपर इंडिया इज हैज गॉट इट्स ओन माइंस, कॉपर इज़ द चीपेस्ट इन इंडिया, PVC इज़ द चीपेस्ट, बिकॉज PVC का बिगेस्ट मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड है रिलायंस RIL लिमिटेड, अपना वो मुकेश अंबानी वाला कंपनी। ये 2 रॉ मेटेरियल है, तो वी शुड हैव बीन एन एक्सपोर्टर ऑफ केबल्स, बट नो, ये बाबू कल्चर का चलते हमारा केबल का प्राइस इतना ज़्यादा हो जाता कि हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट हायर एंड केबल्स जितना भी होता वो खुद इंपोर्ट करना पड़ता, US से इंपोर्ट करना पड़ता, थाईलैंड से इंपोर्ट करना पड़ता, देयर इज अ कंपनी नोन एज फिलिप जॉर्ज डॉज फ्रॉम थाईलैंड, उनसे इंपोर्ट करना पड़ता। सिमिलरली सिर्फ स्टील और इसका बात नहीं, सीमेंट का भी यही सिस्टम है। सबसे बड़ा लाइमस्टोन माइंस हम लोग का इंडिया में है, सब जगह, बट सीमेंट हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते। वाई? यही बाबू कल्चर। तो अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग तो स्ट्रांग होना होगा तो गवर्नमेंट पॉलिसी से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मेक इन इंडिया कीजिए, आत्मनिर्भर भारत बनाइए, डिजिटाइजेशन का यूज़ कीजिए मैक्सिमम, और डायरेक्ट वर्कफोर्स रखिए, और बाबूज चपरासीज साहब को गोली मारिए, सिर्फ एक मैनेजर बन रखिए। दैट इज़ फ्रेंड्स ऑल दैट ऑफ आई वॉन्टेड टू
से अबाउट दिस सोशल मैसेज। बाकी आप लोग सब सेफ रहिए, कोरोना काफ़ी हो रहा है। वंदे मातरम, जय हिंद।